से साड़ी और सोना के शहर रतलाम में आपका स्वागत है। इसे सिटी ऑफ टी लवर्स भी कहा जाता है और एक बहुत ही बड़ा रेलवे जंक्शन वेस्टर्न जोन का। आज जायके के सफ़र में रतलाम की गलियों में चलेंगे, यहाँ के सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के चटकारों तक का स्वाद लेंगे। आइए हमारे साथ। काफी अच्छे सजाया हुआ आपने, अनार, धनिया, नींबू। तो ये है मध्य प्रदेश का एक बहुत ही पारंपरिक नाश्ता जिसे पोहा बोलते हैं, जो कि चिवड़ा से बनाया जाता है। आज हम सकलेचा शॉप पे हैं। कितने साल पुरानी दुकान है सर ये? हमारी दुकान यूं तो 50 साल पुरानी 50 साल पुरानी दुकान है। और ये पोहा जो है सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे ही बनाते हैं यहाँ पे, सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए 12-1 बजे तक। ऊपर सेब है, धनिया, अनार, राई, जीरा, सौंफ, ये सब बताइए। इसको बनाने का प्रोसेस क्या, कैसे बनाते हैं इसको? इसको तो हम 1 किलो में 100 ग्राम तेल रखते हैं, 5 किलो बना रहे तो आधा किलो तेल नहीं, बस वो राई, सौंफ, धनिया, जीरे का बघार लगा के उसके बाद हरी मिर्ची, इसके बाद मटर आते हैं, जैसे मटर भी, मटर इसी में हम फ्राई कर लेते हैं। तो पहले इसको पानी में भिगोते हैं, उसके बाद सीधे धोते, अच्छे 3-4 पानी से धोते हैं। अगर आप धोने का वीडियो डालो तो आप कहोगे कि इतना कचरा आता है कंपनी का पोहे में, कि घर की लेडीज है तो खाली गला के ना बना देती है XYZ जो भी हो, क्योंकि हम ऐसे धोते हैं पोहे जैसे लोग गाड़ी धोते हैं, अपना वाहन धोते हैं कि नहीं, प्रेशर ऐसे, तो इसमें इतना गंदा पानी निकलता है, 3री-4थी स्टेप तक गंदा पानी निकलता है। बहुत ही उम्दा जायका, हींग का काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, नींबू डाला गया थोड़ा खटास खट्टापन के लिए, सेब से थोड़ा तीखा बनाता है, क्रंचीनेस भी आता है, ऊपर से अनार के मीठे मीठे दाने। सारे चाय दे दीजिए। क्या स्पेशल है आपके चाय में? बड़े नाम सुनिए आपके चाय में। सर प्योर दूध है, पत्ती एक ग्लास है, मसाला डालते हैं हम इसमें और कोयले पे उकलती है, इसलिए ये चाय अच्छी बनती है। कौन सा मसाला क्या डालते हैं चाय में? प्योर इलायची। वाह, बहुत ही लाल चाय, अच्छे से पकी हुई, अच्छी तरह से पकी है, स्वाद भी अलग आता है उस पर। पत्ती सबसे एवान है, दूध है जैसा दूध गांव से आता है, पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं डालते, सिर्फ दूध में पकाते हैं चाय को। प्योर दूध की वजह से जो बाबा बैठे हैं, बाबा का भंडारा है और बाबा के आशीर्वाद से ये सब काम चलता है। भैया, तो आपके चाय का दुकान का नाम ही बजरंगी है, फोटो बहुत सारे बजरंगी जी की, बहुत सारी फोटो लगी हुई है, बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त हैं और इनकी कृपा से सब चलता है। कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? सर 40 साल हो गए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास गोयल। ये क्या बन रहा है? कॉफ़ी? ये कॉफ़ी बन रही है, ये केसर कॉफ़ी है। केसर कॉफ़ी, केसर डालेंगे। ये हो गई कॉफ़ी, ये केसर कॉफ़ी है, ये केसर कॉफ़ी। तो उसमें आपने दूध में केसर डाला, उसके बाद उसको उबाला, फिर कॉफ़ी से मिक्स कर दिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बनी है, कड़क मौसम के हिसाब से बनी है, उसको लाइट भी बना देता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही यूनिक फ्लेवर है, केसर का बहुत अच्छा फ्लेवर है इसमें। इसे कट कॉफी कहते हैं, जो हाफ कप है, फुल लेंगे वो 20 रुपए की है, वो बड़ा कप है। इस तरह से बीकानेर की भुजिया है, उस तरह से रतलामी सेव है। इस वक्त हम दौलतगंज में गोर्धन लाल शॉप पे हैं,
ये शॉप 50 साल पुरानी है और यहाँ पे हम जायका लेंगे फेमस रतलामी सेब का। बिल्कुल गर्मा गर्म है, फ्रेश अभी निकल के आ रही है। गरम गरम ही खाते हैं। अच्छा सारे बताइए, रतलामी सेब ऐसा क्या खास बात है जो सेब को, रतलामी सेब को स्पेशल बनाता है? अब यहाँ ये लोग गुजरात भी चले गए, वहाँ जाके बना तो नहीं बना ये सब। तो टेस्ट मतलब कहा जाए तो यहाँ के पानी में, पानी में, पानी और ग्लाइमेट। बेसन में लौंग, काली मिर्च, हींग, जीरा, नमक और मिर्च डाली जाती है। उसके बाद इसको डीप फ्राई करते हैं इसमें, जो आप सामने देख रहे हैं, और फिर तैयार होती है फेमस रतलामी सेब। बहुत ही खास्ता और बहुत ही क्रिस्प है, फ्रेश है। आप पहले खाएंगे तो आपको बिल्कुल मिर्च फील नहीं होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके गले में आपको मिर्च फील होगी। लौंग और हींग का बहुत ही उम्दा फ्लेवर है और जाके गले में लगती है, काफ़ी स्पाइसी है। और लोग इसको पोहे के साथ भी खाते हैं और ऐसे भी चाय के साथ नमकीन में खाते हैं, बहुत ही उम्दा। ये भुजिया की तरह लग रही है लेकिन है सेब। वाह, ये ज़्यादा अच्छी है। ये दो तरह की सेब है, एक मसाले वाली और एक फीकी। जो फीकी वाली है इसमें सिर्फ बेसन और नमक है, मेरे को तो फीकी ज़्यादा अच्छी लगी। बढ़िया रहेगी। नमस्कार साहब। नमस्कार। एक हमारे लिए दाल बाटी बाफला खाई लगवा दीजिए। ये है यहाँ की पारंपरिक थाली है। वाह, पापड़ में भी घी डाल दिया ऊपर से, घी, मसाला और धनिया। साथ में ये बाटी बाफला। ये चटनी किस चीज़ की? और ये दाल खट्टी मीठी। अच्छा, ये दाल का कंसेप्ट क्या? आपने मेरे से पूछा मीठी दाल या खट्टी मीठी दाल, मतलब किसी को मीठी पसंद नहीं हो तो नमकीन भी बना देते तो यहाँ पे लोकल लोग दाल में चीनी वाले खाते हैं। यहाँ ज़्यादा खट्टी ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ के खाने में राजस्थानी गुजराती दोनों ही मिक्स है। पास में राजस्थान बिल्कुल लगता हुआ, इसलिए तो वही जो खाने का इन्फ्लुएंस है पूरा मिलता जुलता है। मीठी दाल और ये मालवा की डिश है बाफले। बाफले और बाटी में यही फर्क है कि जो बाटी है वो पहले सीधे ही कोयले पर सेकते हैं, बाफले को पहले उबाला जाता है फिर सेका जाता है फिर घी डालते हैं। और साथ में चटनी है धनिया प्याज लहसुन की। पापड़ जो पहले भुना है उसके ऊपर घी डाला है, थोड़ी लाल मिर्च और धनिया, और साथ में खट्टी मीठी दाल। ये काफ़ी स्पेशलिटी है शॉप की यहाँ पे कि आपसे जो दाल है वो कस्टमाइज फ्राई करते हैं। इसमें मैंने देखा है इनको चीनी डालते हुए शक्कर भी डाला है, इन्होंने अमचूर भी डाला है, खूब सारा घी डाला है, धनिया लहसुन, उसके बाद तड़का लगाया है। वो आपको बाटी का चूरने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है, बामदस्ते में डाल के चूरते हैं, बामदस्ते में, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा बाटी। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसे फीका चूरमा, उसका स्वाद आ रहा है। मोटा आटा पीसते हैं इसका, आटा बड़ा रहता है, बहुत बढ़िया। एक छोटा पेड़ हमारे लगा दीजिएगा। एक और एक बहुत ही बुनियादी जायका है रतलाम मध्य प्रदेश बाकी जगहों का,
जिसमें व्रत के टाइम पे जब लोग उपवास करते हैं तब ये खाते हैं। ऐसे तो पूरे साल मिलता है लेकिन लोग उपवास में ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। ये साबूदाना है, इसमें शक्कर डाला गया है भूरा, फिर मिर्चे, मसाले, नमक, सींग दाना, थोड़ा क्रिस्पीनेस के लिए, क्रंचीनेस के लिए ये फ्राइड चिप्स डाले गए हैं आलू के, बिल्कुल एक खट्टा मीठा और जिसे कहते हैं शुद्ध जायका वो है। कचौरी में लाल स्पॉट क्या है? ये भुट्टे की है। किसकी? भुट्टे की। भुट्टे की? भुट्टे की। भुट्टे और डाल दो निशान के लिए। अच्छा, निशान के लिए। इसके अंदर स्टफिंग की ये कौन की है? कचौरी भुट्टे की कचौरी है। ये काफी यूनिक है, ज्यादातर कचौरी में आलू या फिर दाल स्टफ होती है लेकिन यहाँ पे भुट्टा स्टफ किया गया है। ओहो, वाह क्या बात है। इसमें हींग भी डाला हुआ है, हींग की काफ़ी अच्छी खुशबू है लेकिन है काफ़ी स्पाइसी। बिल्कुल दाल और कॉर्न काल का मीठापन है, लाल मिर्च डली हुई है, हींग है और बिल्कुल परफेक्टली फ्राइड। जो समोसा अब ज़्यादातर मिलता है पूरे भारत में, जो हिंदुस्तान में, वो आलू का समोसा है। ये समोसा है केले का, ताकि जैन समाज के लोग भी खा सकें। ये खट्टा मीठा है, गरम। इसमें खट्टा भी है मीठा भी है, दोनों है। हरी मिर्च है, सूखा धनिया है, साबुत, हरा धनिया नहीं डालते। गरम मसाला बहुत बढ़िया। एक छोटी सी जगह है जो फेमस है सेब के लिए, लेकिन हमने जहाँ जहाँ भी जो चीज़ें ट्राई की हैं बहुत ही उम्दा जायका है। आइए अब जायका लेते हैं मिर्ची वाला का। तीखा तो नहीं होगा ना? अरे यार बढ़ जाए तो रबड़ी मेरी तरफ। नहीं, बहुत ही खास था, बहुत ही फ्लफी, जैसे बता रहे थे तीखा नहीं है, बहुत ही चटपटा स्वाद है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे काफ़ी अच्छी आपकी शॉप लगी, मध्य भारत बार 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 पुराना है ना सर? बहुत पुराना है, आज का थोड़ी है, इसको कम से कम 15 साल तो, करीब 16 साल तो बंद हुए हो गए, 20 साल कम से कम बंद हुए। और उससे पहले कब से? पहले शायद बहुत पुराना लाइसेंस है, ये भी याद नहीं है, हाल का कि शायद ये 52-53 का लाइसेंस है आज़ादी के समय, इसीलिए उसका नाम मध्य भारत पड़ा। तो काफ़ी ऐतिहासिक दुकान है ये, और ये पेंटिंग भी काफी पुरानी लग रही है, बार बार लिखा वही जब के बोर्ड है उसी टाइम का ही, वही काउंटर, वही फर्नीचर, केवल फ्रिज बदला है, फ्रिज नया आया है। ये जो बियर आप देख रहे हैं ये फ्रूट बियर है, ये आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर स्ट्रॉन्ग फन बियर, फन बियर है। और दूसरी, ये इसका नाम खजुराहो है। दूसरा ये है लाइफ 55,000 और लिखा हुआ है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। चढ़ेगी क्या? लेकिन इसका स्मेल और टेस्ट ऐसा लग रहा है कि वही सेम मिलता जुलता है बियर से, वही आपको फील देगा, वही आपको अंदर से गैस भी आएगी। जी, तो ये कितने साल पहले, मतलब क्या गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि कहीं पर भी पूरे रतलाम में बार नहीं है? कोई बार है, FL3 है, जैसे आप ममता है और ये पद्म श्री है, ये 2-3 बार है, बाकी टोटल बार खत्म कर दिया गया। क्या रीज़न, क्या कारण, क्यों बंद किया गया? ये मतलब इनको जो एसी रूम चाहिए, पार्किंग चाहिए, गार्डन चाहिए, तो हर किसी के पास तो है नहीं। अब हमारी इतनी जगह में हम गार्डन बनाऊँ, कमरा बनाऊँ कि पार्किंग बनाऊँ, क्या मजबूर इन छोड़ना। तो अब लोग आते हैं फ्रूट बियर पीने के लिए? अरे बहुत कम साहब, 1-2-3 बिक गई तो बिक गई, नहीं किसी दिन एक भी नहीं बिकती। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसमें जलजीरे वाला फ्लेवर आ रहा है, हल्का जलजीरे वाला, और जैसे बता रहे थे कि इसमें बुलबुले भी हैं, आपको फील आएगी बियर की, लेकिन है ये नॉन अल्कोहलिक
इसका नाम ही है सुपर स्ट्रॉन्ग फन बियर। आइए देखते हैं अंदर शॉप कैसी है। तो बस ये ऐसे बार हैं और यहाँ पे केबिन्स बने हुए हैं पूरे, इसके अंदर भी अंधेरा है लेकिन ये ऐसे केबिन्स बने हुए हैं अंदर में। और ये किचन हुआ करता था बार का। आपकी टिक्की दो तरह की मिलती है, हाँ। आलू की और केले की। केले, जैन, केले की जैन टिक्किया, जैन टिक्किया। चलिए हमारे लिए जैन टिक्किया लगाइए, आलू टिक्किया तो वो खाइए। जैन टिक्किया हो रही है, एक जैन टिक्किया लगा दीजिए, एक आलू टिक्किया लगा दीजिए। ये टिक्की छोले, ऊपर में हरी चटनी पुदीने की, अमचूर की चटनी, मसाले और जीरा। बहुत ज़्यादा टिक्की बहुत ही करारी है और यहाँ इसे टिक्की नहीं बोलते हैं, टिकिया बोला जाता है। नहीं नहीं, छोला टिकिया, छोले नहीं छोला और टिक्की नहीं टिकिया। ये पुदीने का पानी है, हाँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री पानी पिलाते हैं टिकिया के साथ, बिल्कुल चपटा पानी और जो कहते हैं डाइजेस्टिव टाइप है टेस्ट इसमें। और एक और स्पेशलिटी है शॉप की, और टिक्किया छोला जिस दोनों में खाते हैं पानी पीने का मज़ा उसी में, ताकि चटनी थोड़ी इसमें लगी रह जाती है उससे और स्वाद बढ़ जाता है इसका। ये आलू का बिस्किट है, तो बेसिकली आलू की टिक्की है, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके दोनों तरफ से बिल्कुल डीप फ्राई किया जाता है, ऊपर मसाला डाला हुआ है, जीरावन, लाल मिर्च, नमक, साथ में नींबू। हाँ क्या बात है, अल्टीमेट देसी घी का बहुत ही उम्दा स्वाद, साथ में मसाले अल्टीमेट। ये जो चाट हम ट्राई कर रहे हैं ये कच्चे केले की टिकिया है, ऊपर छोला, हरी चटनी जिसमें अदरक नहीं है, मीठी चटनी अमचूर की और खड़क की, साथ में मसाले। आइए जायका लेते हैं। अगर आप रतलाम में आएंगे, रतलाम में ऐसे कई जायके हैं जो जैन खाने को सूट करते हैं। जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो ज़मीन में उगी सब्जियाँ नहीं खाते, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गई या फिर जिमीकंद हो गया, तो इसलिए केले की टिकिया बहुत फेमस है। हमने एक और जायका लिया था अभी कुछ जगह पे, कारू जगह, केले के समोसे। अच्छा अच्छा, केले के समोसे खाए, कारू लाल के हैं, कारू मामा, कारू मामा, कारू मामा के यहाँ। और हम ट्राई कर रहे हैं केले की टिकिया। हालांकि ज़्यादा फर्क पता चलता नहीं है, फर्क पता चलेगा नहीं, आप केले की टिकिया खाएँ आलू टिकिया खाएँ, ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल नहीं पता चलेगा। और असली मज़ा टिकिया खाने का छोला के साथ ही है। ये दही बड़ा, दही बड़ा, वाह, बिल्कुल सॉफ्ट बड़ा, दही में डूबा हुआ, ऊपर में वही दोनों चटनी, हरी और लाल चटनी, जीरावन, लाल मिर्च और नमक। अब थोड़ा पानी इस दोनों में पीजिएगा, इसमें दही के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। ये तो बिल्कुल ठंडे दही बड़े हैं, मजा आ गया था। बढ़ते ना, ये भट्टी के सामने चलता है, बिल्कुल। तो ये बड़ा किस चीज़ का बनाते हैं? ये मूंग और चौले की रहता है। चौले, चौले की दाल का, चौले की दाल। ये कौन सी दाल होती है बताने मुझे? फली आती है, फली का बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ठंडा। मार्केट में 90% दही बड़े उड़द की दाल का बनते हैं, वो दही के साथ हेवी पड़ता है। अपने यहाँ 12 महीने मूंग और चौले की दाल का बनता है, ये डाइजेशन बनाता है। चाट का असली, ये अपने दही बड़े की विशेषता है। चाट का मतलब ऐसा ही है कि आप खाएं तो आपको डाइजेशन में हेल्प करें, और चाट में अलग अलग स्वाद भी मिलते रहे। अपनी पूरी चाट सेहतमंद चाट, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए छोटे लाला जी, मज़ा आ गया, अब आपके मामा की दुकान पर जा रहे हैं। बिल्कुल, उधर पानी पूरी पालक चाट है, पानी पूरी के अलग अलग 10-12 फ्लेवर है।
और पालक चाट बनता है, पालक की पकौड़ी, दही चटनी। सबसे अच्छा पानी किसका है, कौन से फ्लेवर का है? उधर है ना, वो आप टेस्ट कीजिए सब। चलिए आइए चलते हैं वहाँ पर। साहब हमें पानी पूरी खिलाइए। हाँ सर खिलाएंगे ना। और पानी पूरी भी आपके पास 12 फ्लेवर हैं जी? हाँ अलग अलग 12 तरह के फ्लेवर हैं। जीरा, पुदीना, हींग, लौंग, हरी मिर्च, खट्टा मीठा, सौंठ, सौंफ, कैरी, सादा, गटागट। सादा जो है मेन फ्लेवर रहता है, मिक्स फ्लेवर। अभी गटागट क्या है? गटागट की जो गोली आती है उसका स्वाद आएगा इसमें, गटागट गोली। अच्छा वो काली वाली गोली आती है वो? हाँ। वाह, चकमोला इसको कहते थे हम लोग, वही वही है ना। ये आलू का मसाला जी? हाँ। ये किसका पानी है? ये जीरे का फ्लेवर है। जीरे का? जीरा मसाला। जीरा मसाला, बहुत बढ़िया। ये मिंट फ्लेवर है, पुदीना। ये पुदीना। अब ये रतलामी फ्लेवर है हमारा, हींग का स्वाद आता है इसमें, हींग मसाला। ये हींग मसाला, हींग। एक ये रतलामी सेव का फ्लेवर है, लौंग मसाला, लौंग काली मिर्च। लग रहा सेव खा रहे हैं रतलामी। बिल्कुल सर। हरी मिर्च, ये हरी मिर्च है, तीखा हुआ है तो खा सकते हैं आप, इतना टेस्टी बनाते हैं, स्वाद जरूर आएगा। उसकी क्वालिटी को बताया कि हाँ मैं हरी मिर्च आज में आ जाऊँ, आज में आ जाऊँ, ये खा के डाइजेशन हो जाएगा सारा। हाँ डाइजेशन उसके जो मसाले हैं वो मतलब वो काम करेंगे। ये कौन सा? ये सर आमचूर फ्लेवर है, केरी का स्वाद आता है, जब केरी आती है तब केरी का बनता है, उसके पहले ये अमचूर का बनाते हैं। अभी अमचूर का है? अभी अमचूर का। केरी का जब सीजन रहता है तब कच्ची केरी का बनता है। बहुत बढ़िया। ये मेन फ्लेवर है, सभी फ्लेवर मिक्स रहते हैं। मुझे गटागट खिलाइए, गटागट। वो भी खिलाएंगे सर। पेट फटने वाला है? नहीं 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 फटेगा, डालिए। ये हमारा ओल्ड इज गोल्ड, मतलब सबसे पहले ये एक ही फ्लेवर हम पहले बनाते हैं। अब जो है गटागट फ्लेवर आएगा सर आपके। इसमें तो सेव भी डाला है आपने? सेव भी डाला, सेव और गटागट की चटनी और मसाला है जो मैंने। हाँ। ये मसाला है उसमें, तो वो चटपुला खाते थे वही स्वाद ना, आप देखिए चटकारा आएगा उसमें। फिर तो आपने मुझे बचपन की याद दिला दी। हाँ बिल्कुल, हाँ मज़ा आ गया। बाकी रायते का जो स्वाद है वो इसमें आएगा। फिर लास्ट देते हैं, लास्ट डाइजेशन के लिए। सही रायता साहब, मज़ा आ गया, अल्टीमेट। बस एक लास्ट है, लास्ट कौन सा रह गया? ये दही चटनी का, इसमें भी सेव डालते हैं। हाँ जी, दही और चटनी। तो ये कैसे आपका आइडिया है इतने सारे फ्लेवर बनाने का? कितने साल पुरानी दुकान है, कुछ बताएं अपने बारे में। ये पहले हमारी दुकान वहीं लगती थी, एक ही दुकान थी पहले, ये एक ही फ्लेवर बनाते थे। जब इधर ट्रांसफ़र करा तो ये अलग अलग फ्लेवर है, और ये फ्लेवर वही है जो हमारे इस मसाले में डलते हैं, पानी में जो मसाला डलता है वही फ्लेवर हमने बनाया है। इसके अलावा कोई दूसरा फ्लेवर नहीं है, जो चटनी, दही, ये सब जो इस पानी में डलता है पतासी में, इसके अलावा कोई दूसरा फ्लेवर ना, हम कांदा भी नहीं रखते, और जो ओरिजिनल स्वाद है वही है, वही है। और गोलगप्पे आपके पास पानी पूरी आटे की? आटे की बनाते, आटे की बनाते और घर पर ही बनाते हैं, होम मेड है। ये पालक पत्ता चाट है, जिसको पालक को बेसन में डाल के फ्राई किया, उसके ऊपर में दही चटनी, सेव और मसाले। इसकी हमारे इस मौसम में भी आपको ये क्रंची मिलेगा पूरा। उसको आपने पन्नी में बांध के रखा हुआ है, मॉइस्चर ना लगे, है ना? बिल्कुल। आइए बिल्कुल क्रिस्प है अंदर तक, पूरा क्रिस्पी बनेगा, बहुत बढ़िया। भाई साहब
ये केसरिया दूध। रात में खाना खाने के बाद काफ़ी लोग दूध पसंद करते हैं, और कहीं जगह जगह पे रतलाम में आप आएंगे, जगह जगह पे रात के टाइम पे आपको कढ़ाई दिखेगी जहाँ पे दूध को काढ़ा जाता है काफ़ी देर तक गाढ़ा करने के लिए। ये भैंस का दूध है जिसमें केसर, जावित्री, जायफल और इलायची इसका मसाला मिला के डाला जाता है, तभी ये पीलापन है। ऊपर एक मलाई की काफ़ी गाढ़ी परत बन जाती है। दूध डालते हैं, उसके ऊपर शक्कर मिला के, फिर साथ में मलाई की परत। एक बढ़िया पान खिला दीजिए। आपके पान खाने के लिए लोगों ने कहा रतलाम में सबसे बढ़िया पान गोविंद पान, तो आपके पास हम आए।